प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपना जो संस्कृत में जो चल रहा है वो चलेगा संधि। संधि में जो स्वर संधि का जो पहला भेद है वो है यण संधि। यण संधि नाम है लेकिन विद्यार्थियों इसका जो सूत्र है वो है इकोयंची। इकोयंची जो इसका सूत्र है जिसका पूरा जो टेल है वो ये है। इक इक प्रत्याहार में जो वर्ण है ई उ री और नी, ये पूरे जो चारों जो स्वर हैं ये लघु स्वर हैं। इनकी जगह यण प्रत्याहार होगा, ई का ये हो जाएगा, उ का वह हो जाएगा और री का रे हो जाएगा, री का ले हो जाएगा। कब होगा ये? संधि करते समय। विद्यार्थियों इन जो चारों जो वर्ण हैं स्वर वर्ण हैं इनकी जगह ई का ये, उ का वह, री का रे, री का ले होगा। कब होगा ये? संधि करेंगे जब। जब विच्छेद करेंगे तो ये की जगह ई होगा, ये की जगह ई होगा, वह की जगह उ होगा, रे की जगह छोटा री और ले की जगह री हो गया। ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो बात है जो अपन इसके बारे में बात करेंगे, जो पहला नियम है इसका, जो पहला नियम ये है कि ई प्लस अन्य स्वर, यानी ई का क्या होता है ये, ई का ये कहाँ होता है वो अपने एक उदाहरण है प्रति प्लस एकम। अब तय में जो ई है ये तय में ई है तो ई ई आ गया, ये आ गया, ये ई आ गया। अब ई का क्या होगा ये, तो इसमें तय में ई निकालेंगे तो आधा तय बच गया, ये आधा तय बच गया और ई का क्या होगा ये रहा, ये रहा ये प्लस एकम। प्र आधा तय प्लस ये हलंत वाला प्लस एकम, तो ये बनेगा प्रतिकम। ऐसे ही इसी प्रकार से इस नियम के जो उदाहरण अन्य जो उदाहरण है वो ये हैं, जैसे अध्यापक है, अध्यक्ष है, न्याय है, क्या है, क्यारी है, व्याधे है, अध्यक्ष है, ये जो शब्द हैं ये इसी के उदाहरण हैं। आप इनका विच्छेद करके देख भी सकते हैं कि जैसे अध्यापक है तो अधि प्लस आप कहे, अधि प्लस अक्ष है, नी प्लस आये, की प्लस आ, की प्लस आरी, वी प्रसाद है, अधि प्रसक्ष है, ये इसके विच्छेद अपन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो है वो आगे देखो, दूसरा नियम, दूसरा नियम मैं बताता हूँ अभी आपको। दूसरा जो नियम है जो उ का क्या होगा वह, दूसरा नियम जो है वो होगा उ का वह। नियम नंबर दो, नियम दो है उ प्लस अन्य स्वर। अब ये जो उ है किसका क्या होगा, वह हो जाएगा कब, संधि करेंगे जब, विच्छेद करेंगे जब वो हो जाएगा। जैसे जैसे है सु प्लस आगतम, ये उदाहरण है। अब ये सु में क्या है, उ छोटा उ है, ये उ है, उ का क्या बन गया वै, वै बन गया। जब सै में उ निकालेंगे तो आधा से बचेगा, आधा से बचेगा, आधा से उ की जगह क्या हो गया वै, वै प्लस आगतम, ये बना। इसका अपन मिलान करेंगे तो आधा से वै में आ मिला वा गै तै मै स्वागतम। इसी प्रकार से इसके अन्य जो उदाहरण हैं वो अन्य उदाहरण आप देखें, अन्य उदाहरणों को भी आप हल करें। वैसे मैं लिख रहा हूँ अन्य उदाहरण, जैसे अन्वय, अन्य उदाहरण, जैसे पहला उदाहरण है अन्वय, मध्वरी, मध्वरी, मध्वरी स्वाहा, स्वाहा अन्वय हो गया, मध्वरी स्वाहा स्वागत। इस प्रकार से और अन्य ले तो वो बनेगा आपके सामने
मैं धै मध्वर्ष, ये जो शब्द हैं इनमें ये दूसरे नियम का ही उदाहरण है जिसमें उ का व्यय हो रहा है, जैसे अनु प्लस अय है, मधु प्लस अरि, सु प्लस आहा, सु प्लस आगतम, मधु प्लस अर्ष। इन प्रकार इस प्रकार से आप देखें हो कि ये उ का क्या हो गया, यहाँ पर व्यय हो गया। इस प्रकार से आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि जो ट्वेल्थ वाले हैं जो संधि के साथ साथ सूत्र भी याद रखें, सूत्र ट्वेल्थ और इलेवेंथ वाले जो छात्र हैं वो संधि के साथ साथ सूत्र को ध्यान रखें। इसका तीसरा नियम है, तीसरा नियम देखिए आप, तीसरा जो इसका नियम है, नियम नंबर तीन, नियम नंबर तीन है अरि छोटी री प्लस अन्य स्वर। रि का क्या होगा? रे। जैसे पित्रा, एक बात का आप ध्यान रखें कि ये विशेष ध्यान रखें, विशेष तय और रे मिलकर त्रय वर्ण बनते हैं, त्रय वर्ण बनता है तय और रे। तय और रे मिलकर के त्रय वर्ण बनता है, जिस प्रकार जिससे ये बन रहा है त्रय। त्रय में क्या है? आ। यहां पर आ तत्र है, इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर है आ, तो इसका विच्छेद हो जाएगा पित्र, पित्र प्लस आ। ये ध्यान दो, इसमें क्या है? री, री, री का क्या हो जाएगा? रे। अब मिलावा पी आधा तय प्लस रे प्लस आ, क्या बना? पित्रा। ऐसे ही अन्य उदाहरण हैं, जैसे मात्रा है, छात्रा है, यात्रा है और जैसे छात्र है। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो इसी तीसरे नियम के उदाहरण हैं। चौथा जो नियम है वो आप ध्यान दें, चौथा नियम पर, नियम नंबर चौथा, नियम नंबर चौथा है लि प्लस अन्य स्वर। लि का क्या होगा? ले, ले होगा। जैसे उदाहरण इसका लि प्लस आदेश है, ये है लि प्लस आदेश है। प्रिय विद्यार्थी इसमें ध्यान दें कि लि प्लस जो आदेश है, लि का क्या होगा यहां पर? ले होगा, ले प्लस आदेश है। यहां क्या बन जाएगा? ले में आ जोड़ें तो ला देश है। इस प्रकार से अन्य उदाहरण है ला विष है, ला दिश, ला दे सानुसार, ला कृति, ये इसके अन्य उदाहरण हैं जो आप इनको अच्छी तरह से नोट बुक में उतार ली, और उतारने के बाद आगे का जो वीडियो चलेगा वो आगे बताया जाएगा। आज ये संधि बताई जाएगी। थैंक यू।